तुम्हारे नाम का जो टैटू है ना मेरे हाथों पे, उस पर पूछे लोगों के हजारों सवाल लिखता हूँ और उनको दिए हुए हजारे जवाब लिखता हूँ। क्या अब भी जानना चाहोगे कि मैं क्या लिखता हूँ? मैं प्यार पर सुनाता हूँ, मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है। एक्चुअली ये है कि मुझे बहुत पहले किसी ने पूछा था कि मैं क्या लिखता हूँ, तब मैंने लिखा था कि तुम जो मुझसे पूछती हो कि मैं क्या लिखता हूँ, कैसे बताऊँ कि मैं जो लिखता हूँ वो तुम समझ नहीं पाओगी। अब समझ गई तो ये भी जान जाओगी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कैसे बताऊँ कि अब बारिशों में भीगना अच्छा लगता है, कल तक जो बकवास लगता था ना वो झूठा प्यार भी अब सच्चा लगता है। और तुमने ही तो कहा था कि मैं सिर्फ शब्द लिखता हूँ, नहीं मैं सिर्फ शब्द नहीं लिखता, मैं तो ख्वाब लिखता हूँ। तुम्हारी अदाओं पर मैं मोहब्बत की किताब लिखता हूँ, तुम्हारी आँखों के काजल का मैं कातिलाना अंदाज लिखता हूँ, चांद की तुमसे जलन और मोहल्ले के लड़कों के दिल के हालात लिखता हूँ, तुम्हारा दुपट्टा मेरी घड़ी में फंस जाए वो फिल्मी अंदाज लिखता हूँ, तुम्हारा दुपट्टा मेरी घड़ी में फंस जाए वो फिल्मी अंदाज लिखता हूँ, और जब तुम्हारा जब तुम छोड़ के चली गई थी ना तो उन आंसू भरी रातों का मैं हिसाब लिखता हूँ, और कैसे मिटाया है मैंने तुम्हारी यादों को अपने दिल से वो उन आंसू की एक एक बूंदों का मैं राज लिखता हूँ, और जब तुम्हारा हाथ देखा था किसी और के हाथों में तो उस बीच बीच डोमिनोज में बैठ के रोने का मैं हिसाब लिखता हूँ। एक्चुअली मैं जब क्या हुआ था कि जब मैंने उसका हाथ किसी और के हाथों में देखा था, वो डोमिनोज में बैठी थी किसी और के साथ, तब मैं रो गया था, तब लिखा था कि तुम्हारा हाथ किसी और के हाथों में देखा था ना, तब मैं वो हिसाब लिखता, तुम्हारे नाम का जो टैटू है ना मेरे हाथों पे, तुम्हारे नाम का जो टैटू है ना मेरे हाथों पे, उस पे पूछे लोगों के हजारों सवाल लिखता हूँ और उनको दिए हुए हजारे जवाब लिखता हूँ। क्या अब भी जानना चाहोगे कि मैं क्या लिखता हूँ? लड़कियों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ बुरा ना माने। वो था कि मेरी एक्स कैसी थी, ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे घर वाले यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पूछती है कि मेरी एक्स कैसी थी, तो पहले जब ये सवाल मेरे सामने आता था ना तो मैं घड़बड़ा जाया करता था, लड़खड़ा कर जाया करता था, लेकिन एक दिन सिगरेट और चाय लेके बैठा और लिखा कि मेरी एक्स ना वो इस जैसी थी, ना वो उस जैसी थी, ना वो तुम जैसी थी, ना वो इस जैसी थी, ना वो उस जैसी थी, ना वो तुम जैसी थी, वो खीर में नमक जैसी थी, जिसे कोई पसंद नहीं करता वो प्लेन की बीच वाली सीट जैसी थी, हाँ, और जिसका नशा नहीं चढ़ता वो उस खराब भीड़ जैसी थी। और जब किसी ने बताया कि प्यार एक इम्तहान है, प्यार एक इम्तहान है, तब समझ में आया कि साला वो तो एग्ज़ाम हॉल में पढ़े, खाली आंसर शीट जैसी थी। जब मैं सुबह निकलता हूँ घर से ऑफिस के लिए तो मेट्रो की भीड़ को देख के लगता है कि वो मेट्रो की आती जाती भीड़ जैसी थी। जब वो मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे लगा कि उसकी और मेरी केमिस्ट्री पत्थर पे खिंची लकीर जैसी थी, उसकी और मेरी केमिस्ट्री पत्थर पे खिंची लकीर जैसी थी। जब थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कराई तब समझ में आया कि साला वो तो फ़कीर जैसी थी। मेरा जो पसंदीदा खेल है ना वो क्रिकेट है, तो मुझे लगा कि वो मेरे पसंदीदा क्रिकेट के खेल जैसी थी। जब उसने अपना खेल था खेला तब समझ में आया कि साला वो तो क्रिस गेल जैसी थी। और कल देखा था मैंने उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को, उसे देखा तो खुद पे फक्र हुआ, उस पे तरस आया कि उस बेचारे की हालत तो स्पैम में पड़े अनवांटेड मेल जैसी थी। अब जब कोई पूछता है कि मेरी एक्स कैसी थी तो कह देता हूँ कि ना वो इस जैसी थी, ना वो उस जैसी थी, ना वो तुम जैसी थी, मेरे हजारों लिखे शेरों में से रिजेक्टेड शेर जैसी थी। थैंक यू गाइस, थैंक यू।